सुप्रभात, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सविता। पेश है सुबह 9 बजे तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें कोलकाता से। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा महासंघ की सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए हिंसा और अराजकता का मुद्दा उठाया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत बंगला में करते हुए मथुरा के संस्थापक हरिचांद ठाकुर की 211वीं जन्म जयंती पर मथुरा समाज को शुभकामनाएं दी। जय हरिबोल। श्री श्री हरिचंद ठाकुर 211तम आविर्भाव तिथि उपलक्षे सकल पुण्यार्थी साधु गोसाई पागल दोलोपाती और मातुआ माइदेर जानाई आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदनों नमस्कार। राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण अगर किसी को हिंसा से डरा धमका कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है। इसलिए ये भी हमारा कर्तव्य है कि हिंसा अराजकता की मानसिकता अगर समाज में कहीं भी है तो उसका विरोध किया जाए। मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वास्तव में भाजपा चाहती है कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चरणों में गिरे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी देकर कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए राजभवन में आने का आमंत्रण किया है। राज्यपाल ने सीएम को इसी सप्ताह आने के लिए कहा है। राज्यपाल ने सीएम के उस बयान पर भी चिंता जताई है जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई अगर उनके अनुसार ठीक से जाँच नहीं करती है तो आंदोलन होगा। एक नज़र जिले की खबरों पर। महंगाई के खिलाफ आमता में तृणमूल कांग्रेस द्वारा रैली निकाली गई। इस रैली में मंत्री पुलक राय, विधायक सुकांत पाल सहित भारी संख्या में तृणमूल के कर्मी शामिल हुए। रैली के बाद जनसभा को मंत्री फिरहाद हकीम ने संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मौत को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस राजनीति करती है। पिछले कई दिनों से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर हावड़ा की जनता ने कहा कि सरकार को बढ़ते दामों पर गंभीरता से सोचना चाहिए, लोगों के पॉकेट पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है। देश दुनिया की खबरों पे नजर डालते हैं। दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से पेपरलेस होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। आज का राशिफल। आज का पंचांग एवं राशिफल 30 मार्च 2022 राष्ट्रीय तिथि 9 चैत्र सके 1943 विक्रमी संवत 2078। मेष राशि वालों के लिए चल रहे प्रयासों में आज प्रगति की संभावना है। वृष राशि वालों के लिए अवसर प्रदान करने वाला दिन हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए सहयोगियों के सहयोग के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहने वाला दिन है। कर्क राशि वालों के लिए मानसिक शांति बनाए रखते हुए कोई भी निर्णय सोच समझकर लेने वाला आज का दिन है। सिंह राशि वालों के लिए आज किसी मांगलिक प्रयास में प्रगति संभव है। कन्या राशि वालों के लिए प्रगति प्रधान दिन बने रहने की आशा है। तुला राशि वालों के लिए पूरी निष्ठा के साथ चल रहे प्रयासों को गति प्रदान करने की कोशिश करने वाला दिन हो सकता है आज। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन चिंताकारक हो सकता है। आवेश एवं क्रोध पर नियंत्रण रखें।
धनु राशि वालों के लिए आलस का त्याग करते हुए चल रहे प्रयासों को गति प्रदान करें। मकर राशि वालों के लिए कोई सुखद समाचार की आज प्राप्ति संभव है। कुंभ राशि वालों के लिए आज आर्थिक प्रगति के कुछ नए नए अवसर मिल सकते हैं और मीन राशि वालों के लिए दिन खर्च प्रधान बने रहने की आशा है। मन में कभी कभी खिन्नता का भी अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मौसम, आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं रात 9 बजे। नमस्कार।